वेलकम बैक ऑल ऑफ माई डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जो हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ से समाप्त किए थे वहीं से शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसी वीडियो सीरीज का यह दूसरा पार्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में पैराग्राफ 6 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर। चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। एक इंसान आवश्यक रूप से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वह धनी है और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर और वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है। मतलब ये आप नहीं कह सकते हैं कि कोई इंसान खुश है इसका आशय यह हुआ कि वह धनिक है और दुखी है तो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। जो गरीब होते हैं ना वो अक्सर जो रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं वे अक्सर दुखी दिखाई पड़ते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब भी अमीर दिखाई प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों करोड़ लोग हमेशा ही गरीब बने रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी का अवलोकन करते हुए, द आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने हमें भोग और प्रसन्नता से रोका, माना किया। डिसवेडेड मीन्स होता है रोकना या माना करना। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हम लोग उसी प्रकार के प्लॉग में से हल होता है, अच्छा परंपराओं को आज भी अपनाए रखे हैं, जो आज भी मौजूद है, जो हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में थे। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। हम उसी प्रकार के घरों का, झोपड़ियों का, अर्थात घरों का आज भी प्रयोग करते हैं। डैट वी हैड इन फॉरवर्ड टाइम्स, जो हमारे पास पहले के समय में हुआ करते थे। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। दोस्तों, इंडिजिनस एजुकेशन मिस होता है स्वदेशी शिक्षा, और जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है वह वैसे ही बनी हुई है जो पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन। हम लोगों के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जो जीवन को बर्बाद करती है, नष्ट करती है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, और हर कोई अपना खुद का पेशा या व्यापार करता है। चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और एक नियमित वेतन पाता है। इट वॉज नॉट डैट, यह आवश्यक नहीं है कि, इट वॉज नॉट डैट ऐसा नहीं था कि, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हम नहीं जानते थे कि मशीनों का आविष्कार कैसे करते हैं, या ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे। इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम अपने हृदय को, अपने मन को ऐसे वस्तुओं में लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स। दोस्तों, स्लेव मीन्स होता है दास या गुलाम, तो हम लोग दास या गुलाम बन जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फैब्रिक, और अपने नैतिकता को खो देंगे। दे देयर फोर, वे लोग इसीलिए, आफ्टर ड्यू डिलीबरेशन, जानबूझकर, डिसाइडेड डैट, निर्णय लिए कि, वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हम लोग केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जिसे हम अपने हाथों और पैरों से करते हैं। डिसाइडेड, वे लोग देखे कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, हमारी जो वास्तविक प्रसन्नता है, खुशी है और स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, तो हमारे हाथों और पैरों के जो उचित प्रयोग है उन्हीं कार्यों में क्या है, समाहित है, निहित है। अर्थात दोस्तों, इस चैप्टर को समराइज करते हैं, और इस समराइज में हम लोग कुछ ग्रामर के भी पॉइंट्सों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, यदि द प्लस एडजेक्टिव हो, क्या हो, द प्लस एडजेक्टिव, जैसे द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द ब्रेव, तो इनके बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। किस वर्ब का? प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसमें
प्रश्न बनता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरियस एंड प्लेजर्स लाइफ से क्यों रोक दिया, क्यों मना कर दिया भोग विलासपूर्ण जीवन से। तो इसमें आपका आंसर अगला है कि हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, या यदि हम इंटरमीडिएट बिहार STET के आप छात्र हैं तो आपके परीक्षा में यदि कोई पैसेज आता है, पैराग्राफ आता है तो वह किसी टॉपिक से यदि उठाता है तो ये रिलेटेड उसमें रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दे फर्दर रीजन डैट, वो ये आगे तर्क दिए कि लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस। लार्ज सिटीज, बड़े शहर जो होते हैं क्या होते हैं, स्नेयर होते हैं, एक जाल होते हैं, यूजलेस मिस होता है बेकार, और इनकम्ब्रेंस मिस होता है बोझ। जो बड़े बड़े शहर हैं वह बेकार के एक जाल हैं, एक बोझ हैं। एंड डैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और जो जो लोग वहाँ पर रहेंगे क्या होंगे, खुश नहीं रहेंगे। इन देम, वहाँ में उन लोगों के बीच, देयर वेयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीप्स, वहाँ पर चोरों का एक गिरोह हो सकता है, एंड रॉबर्स। रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोसिंग, वहाँ पे शहरों में चोरों का या डाकुओं का एक गिरोह हो सकता है, और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति एंड वाइस फ्लोरिशिंग, वाइस मीन्स बुराई, फ्लोरिस मीन्स प्रसिद्ध होना, वहाँ पे बुराइयाँ पनप सकती हैं, फल फूल सकती है। इन देम, उन लोगों में, द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, जो गरीब लोग हैं वह अमीरों के द्वारा, बाई रिच पीपल, अमीरों के द्वारा लूटे जाएंगे। दे वेयर, वे थे इसलिए सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, इसलिए वे छोटे गांवों के साथ ही क्या थे, संतुष्ट थे। तो दोस्तों, आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि हमारे पूर्वज क्यों छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे, तो आपके इस प्रश्न का आंसर पैराग्राफ 7 में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर। दे सैड दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू द स्वर्ड ऑफ एथिक्स, वे लोग देखे कि जो राजा हैं और उनके जो तलवार हैं वह एथिक्स, नीति शास्त्र के तलवारों से क्या, इन्फेरियर हैं, घटिया हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस में आए हुए मुख्य जो की पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम के लिए उसका हम अवलोकन कर लेते हैं। इन्फेरियर के बाद हमेशा जो आता है प्रीपोजिशन टू आता है, क्या आता है दोस्तों, टू। इसके अलावा यदि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में आपके अंतिम लेटर ओ आर दिखाई दे तो उनके बाद क्या आएगा, टू आएगा। इथिक्स मिस होता है नीति शास्त्र, और ऑफ मिस होता है क्या के की। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, इसीलिए वे लोग राजाओं के जो सत्ता हैं धरती पे, उनका जो अधिपत्य है, उन्हें ऋषियों और फकीरों के सत्ता से इन्फेरियर, घटिया स्था माने। अ नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र और इस प्रकार का जो संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम दे अदर्स। लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्र है और जिस प्रकार का इसका एक संविधान है, यह दूसरों को सिखाने के लिए उपयुक्त है, न कि दूसरों से सीखने के लिए। दोस्तों, ये आपका फिट उपयुक्त और फिटर कंपरेटिव डिग्री होता है। जब कभी भी आपको कंपरेटिव डिग्री दिखाई दे, जैसे टॉल टॉलर, बिग बिगर, तो आपको एक जो अगला इसका एंडिंग वर्ड होगा वह होगा देन, टू लर्न फ्रॉम देन अदर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास कोर्ट्स था, न्यायालय था, लॉयर्स, वकील थे, एंड डॉक्टर्स थे, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी लोग एक दूसरे से बंधे हुए थे। एवरीबॉडी न्यू डैट दिस प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुप्रियर, लेकिन हर कोई जानता था कि ये जो व्यवसाय थे, पेशा थे, यह खास रूप से उच्च कोटि के नहीं थे, मतलब यही सर्वसर्वा नहीं था। मोरिवर, यद्यपि दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, और ये लोग
लोगों को लूटते नहीं थे, रॉब मिस होता है लूटना, दे वेर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग लोगों का आश्रित समझे जाते थे, पीपल्स डिपेंडेंट्स लोगों का आश्रित समझे जाते थे, नॉट देयर मास्टर्स न कि उनका मालिक, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, जो न्याय था वो बिल्कुल अस्पष्ट था, अपेरेंट था, पारदर्शी था, द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो सामान्य नियम था वह था न्यायालय को टालना, न्यायालय से बचना, देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इन टू देम, और कोई लोग नहीं थे, मतलब कोई दलाल नहीं होते थे जो लोगों को क्या करे, ल्यूर करे, ललचाए कोर्ट में जाने के लिए, मुकदमा करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए। दिस इज इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये भी जो बुराइयाँ थी ना वह केवल राजधानियों में और राजधानियों के आसपास ही थी, नोट अराउंड मीन्स के आसपास। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो सामान्य लोग थे वे स्वतंत्र रूप से रहते थे और खुद का अपना जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन था, कृषि व्यवसाय था, उसे करते थे, एंड दे इन्जॉय ट्रू होम रूल, और सच्चे गृहस्थ जीवन का आनंद लेते थे। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा बन सकता है पैराग्राफ 8 से कि कैसे हमारे पूर्वज ट्रू होम रूल का इन्जॉय लेते थे। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको कवर कीजिए, आगे हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 9 की तरफ। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, जो भारतीय सभ्यता जिस प्रकार से मेरे द्वारा वर्णित है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरेज, यह इसके वोटरेज मानने वाले के द्वारा वर्णित है या वर्णन किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और दुनिया के किसी भी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, सभी लोग पूर्णता को प्राप्त किए हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है उसका क्या है, इज टू इलिवेट मॉरल बीइंग, वह नैतिकता को बढ़ाने वाला है, विकसित करने वाला है, इलिवेट मीन्स होता है विकसित करना, बढ़ाना। डेट ऑफ, दोस्तों यह जो एक प्रोनाउन का कंसेप्ट है, यह जो डेट ऑफ आया है, यदि इसके पहले ये मॉरल बीइंग है, यदि यहाँ पे कोई प्लुरल शब्द होते तो यहाँ पे दो जप आता। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे कहने से आशय है कि द टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यहाँ जो हम जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उसी प्रोनाउन के रूप में आया है डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन यही जब द टेंडेंसी ऑफ के स्थान पे कोई दूसरा शब्द प्लुरल होता तो यहाँ पे क्या आता दोस्तों, तो दो जफ आता। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरालिटी, और जो पश्चिमी सभ्यता की जो प्रवृत्ति है उसका है अनैतिकता को बढ़ाना, अनैतिकता को विकसित करना। द लेटर इज गॉडलेस, और लेटर मिस बाद वाला, और जो बाद वाला का मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है वह गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, दोस्तों लेटर और फॉर्मर यदि किसी वाक्य के बाद आते हैं तो उस वाक्य में यदि दो शब्द चर्चित हैं, दो बातों को, तो जो बाद वाला जो बात होता है, सेकेंड मैटर होता है, उसके लिए लेटर आता है, और पहले वाला मतलब उसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके लिए फॉर्मर आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, और जो भारतीय फॉर्मर जो पहले अर्थात भारतीय सभ्यता है वह ईश्वर में आस्था रखने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। दोस्तों इस बात को समझते हुए और देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है, इट बिहोव्स
यह बहुत जरूरी हो जाता है। एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक जो प्रेमी हैं, जो भारत के हितैषी हैं, भारत का भलाई चाहते हैं, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि उन्हें भारतीय सभ्यता से क्या होना चाहिए, क्लिंग कर देना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। क्लिंग मीन्स होता है चिपकना। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है, उसी प्रकार हम लोगों को भी जो भारत के प्रेमी हैं उन्हें भारतीय सभ्यता के साथ चिपके रहना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मैनी अ थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं तो पश्चिम का बहुत सी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, जिससे मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी डैट If I want to India to rise to its fullest height, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सिखाया है, मुझे सिखाने के लिए, कि यदि हम भारत को उसके सर्वोच्च चोटी पे ले जाना चाहते हैं, fullest height, ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, आप लोगों से मुझे अवश्य ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे वर्षों की जो अनुभव है और मॉडर्न ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता की, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, तो मैंने इससे एक पाठ सीखा, एक सबक सीखा है, डैट एंड डैट इज, और वह है डैट कि वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे उसे हम खुद उसको दूर रखना चाहिए, उससे बचना चाहिए, जितना संभव हो सके हमें पश्चिमी सभ्यताओं से भागना चाहिए, बचना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि भारत को विकसित करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिक का पूजा है, यह भौतिकता की, पदार्थ की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हम लोगों में पशुवत की पूजा है। इट इज ऑन एडल्ट्रेटेड मैटेरियलिज्म, यह बिना किसी मिलावटी का, मतलब एक प्योर शुद्ध भौतिकतावाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रूम्फ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता नहीं है यदि वह प्रत्येक कदम पे भौतिक सभ्यता की जीत की बात नहीं सोचे, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 12 पे, इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस, यदि यह बेकार नहीं है तो अनावश्यक क्या है, जरूरी है, टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, किसी भी दो सभ्यता के जो खूबी है, योग्यता है, गुण है, उसका तुलना करना अनावश्यक नहीं, बेकार नहीं तो अनावश्यक जरूर है। इट इज लाइकली डैट, यह ऐसा प्रतीत होता है कि वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन, इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम ने एक ऐसे सभ्यता को विकसित किया है जो उसके जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। एंड सिमिलरली, उसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी एक सभ्यता है सुटेड टू आवर कंडीशंस, जो हमारे परिस्थितियों में हमारे लिए उपयुक्त है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव सेफर्स, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में, सेफर्स में क्या, क्षेत्र में अच्छे हैं। द डिस्टिंग्यूशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट खूबी है, इज ऑन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, वो है मानवीय इच्छा का अनंत विकास, मल्टीप्लिसिटी मतलब हमेशा उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, यह एक मतलब इसकी क्या है, विशिष्ट खूबी है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, लेकिन जो प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है, इज ऑन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन
एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। लेकिन इन्हीं इच्छाओं पे एक इम्परेटिव आवश्यक रोक है और इन्हें स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग इन्हें कम करना है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इन एस्टेबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर। जो मॉडर्न है और वेस्टर्न, मॉडर्न हो या वेस्टर्न हो, वह हमारे जीवन में वास्तव रूप से इनस्टेबिलनेस, एक असंतुलन को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फैथ, भाग्य में जीने से, भविष्य में जीने से, इन फ्यूचर स्टेट। देयरफॉर इसीलिए ऑल्सो इन डिवाइनिटी और गौरव में द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम बिलीफ। जो रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन और पूर्वी सभ्यता, ईस्टर्न पूर्वी सभ्यता है, अराइजेज फ्रॉम बिलीफ, वो विश्वास से जन्म लेते हैं। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स इन फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। वो ईश्वर में आस्था, डिवाइन मतलब जो शक्ति होती है, परम शक्ति में आस्था रखने से और उसके अस्तित्व में विश्वास करने से और खुद में भविष्य में, इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स इन फ्यूचर स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। थोड़ा सा एक पैराग्राफ को फिर से देखते हैं। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट, रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम बिलीफ। जो एशियन और ईस्टर्न सिविलाइजेशन के जो पहलू हैं, वो हमारे विश्वास से जन्म लेते हैं। ऑफन, अक्सर, इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स, हमारे खुद के जो फ्यूचर स्टेट, भविष्य की जो अवस्थाएँ हैं और परम सत्ता की जो अस्तित्व है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कुछ आधुनिक और तत्काल जो आविष्कारें हैं आधुनिक सभ्यता की, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, वे इतने पागल करने वाले हैं कि उन्हें सहा नहीं जा सकता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि मनुष्यों की जो विजय है वह उसे खुद पे नियंत्रण पाने में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टेनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर द मोमेंटरी प्लेजर। हम लोग अपने अस्थाई वस्तुएं हैं, अस्थाई चीज है, उसे क्षणिक आनंद में बदलने के खतरे में है। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मैटेरियल, सिमिलरली हिंदुज्म हैज मेड ए स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में खूबसूरत खोज किए हैं, उसी प्रकार हिंदुज्म में भी धर्म और आत्मा के क्षेत्र में शानदार खोज किए गए हैं। बट वी हैव नो आइज फॉर दिज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हम लोग के पास आँखें नहीं हैं इन महान और खूबसूरत खोजों को देखने के लिए। वी आर डेजल्ड बाई द मैटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग भौतिकतावादी की विकास से चकाचौंध हो गए हैं। द वेस्ट दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिमी विज्ञानों ने खोजा है, बनाया है। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ द प्रोग्रेस, मैं इस विकास से ईर्ष्याली नहीं हूँ, जल मतलब इस विकास से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज अ गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम। मुझे विश्वास है कि हमारे मन में गॉड ही आकर इस चीज़ को बनाने से हमें रोकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ सूर्य से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। अभी तक दोस्तों आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।